टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। गरीब घर की लड़कियों ने लाया कुश्ती में ब्रॉन्ज व रजत पदक। नागपुर जिले के रामटेक तालुके के एक छोटे से गांव सीतापुर में रहने वाली लड़की खिलाड़ियों ने लाए मेडल। महिला कुश्ती स्पर्धा खिलाड़ियों का सत्कार, निकाली विजय रैली। पवनी, हाल ही में सांसद कृपाल तुमाने द्वारा रामटेक लोकसभा क्षेत्र में आयोजित खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2024 के अंतर्गत विदर्भ विभागीय कुश्तीगीर संघ द्वारा आयोजित दूसरी महिला विदर्भ केशरी चषक अजिंक्य पद कुश्ती स्पर्धा तथा विदर्भ स्तरीय कुश्ती स्पर्धा में 50 किलोग्राम वजन गुट में जयसेवा आदिवासी हाईस्कूल व जूनियर कॉलेज दाहोदा की छात्रा अंजलि ठाकुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं स्पर्धा के 53 किलोग्राम वजन गुट में नवजीवन हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज की छात्रा प्रगति सरियाम ने तृतीय स्थान हासिल किया। महिला कुश्ती खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर पवनी में सभी खिलाड़ियों का हार पहनाकर व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। पश्चात जोरदार आतिशबाजी करते हुए सभी महिला खिलाड़ियों को एक खुली जीप में बिठाकर पवनी सीतापुर में रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय प्रशिक्षक इंद्रजीत वलोकर, अपने माता पिता तथा शिक्षकों को दिया। क्षेत्र के कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा किए गए उम्दा प्रदर्शन पर पूर्व पंचायत समिति सभापति संजय निवारे ने अभिनंदन किया। मेडल जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब जैसे कि मतलब जब कोई जीत के आता है तो छोटे से गांव में जीतना, छोटे से गांव से दूर दूर गांव तक जाना, ये बहुत इम्पॉसिबल है। इसलिए हम मेडल मतलब मेहनत करके मेडल जीत के लाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको क्या परिश्रम करना पड़ा? मेहनत करनी पड़ी, बस जो पढ़ा है उस पर फोकस करना पड़ा। इसका श्रेय आप किसको दोगे? इसका श्रेय तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को दूंगी, जिन्होंने ये छोटे से गांव में कुश्ती की शुरुआत की है। जिन्होंने जिस गांव में कुश्ती की पहचान नहीं थी, उन्होंने वो पहचान करके दिए। हमें आगे तक लेकर गए, स्टेट वेट खेल के आए हम। आगे भविष्य में आप क्या करना चाहते हो? मतलब हम जो हमारे गुरु पढ़ाते हैं, जिन मतलब उनका जो उद्देश्य है, हमारे गुरु इंद्रजीत वलोकर, उनका जो उद्देश्य है कि हम कहीं लगे बड़ी पोस्ट पर, कुछ बनकर मेहनत कर आगे जाए, बस उनकी इच्छा पूरी करनी है और कहीं लगना है। छोटे से गांव से लेके स्टेट तक खेलने का सफर कैसा रहा आपका? याच्या आधी आम्हाला तर कुस्ती बाबत काही माहिती नव्हती। त्याच्यानंतर जे इंद्रजीत वलोकर जे आहेत, ते आमचे आम्हाला सांगायचे की गेम काय आहे काय नाही। याच्यात आम्ही कधी गेलो नव्हतो, कधी पाहिलो नव्हतो गेम वगैरे। त्याबद्दल आम्हाला मार्गदर्शन केले, त्यांनी आम्हाला खूप मदत केली, शिकवलं या गावातून त्या गावात नेणं आणणं ते स्वतः करायचे। त्या कारण आम्हाला फर्स्ट प्राईज, सेकंड प्राईज असं मिळालं। मला रजत पदक नागपूर विदर्भ केशरी यामध्ये मिळालं। त्यानंतरचं स्टेटमध्ये मिळालं सेकंड प्राईज। त्याच्यानंतरचं विदर्भ केशरी खासदार चषक, त्यामध्ये सेकंड नंबर रजत पदक मिळालं। आणि आता पुढच्या चालण्यासाठी चंद्रपूर येथे कुस्ती स्पर्धा ठरवली। क्या नाम है आपका? मैं कल्याण ओंकार मोहारे, मैं चिचाला गांव से हूँ जो रामटेक तहसील में आता है। मैं 14 बार स्टेट चैम्पियन हूँ। मेरे स्टेट को 10 सिल्वर है और
चार थर्ड है। मैं दो बार की विदर्भ डबल विदर्भ केसरी हूँ और इस बार जो विदर्भ केसरी स्पर्धा जो कुही मांडर यहाँ पे यहाँ हुई वहाँ पे मैं उप विदर्भ केसरी हूँ। मेरे जीतने का श्रेय मेरे कोच ईश्वर जी मेश्राम, नीलेश जी दमाए, राजहंस माहुले और हमेशा मेरे मार्गदर्शन समझ के मेरे साथ जो गंभीर तरह से साथ रहते श्री इंद्रजीत सर, सुभाष चौहान सर, इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। गांव से हूँ तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब खुश है, मैं भी खुश हूँ। ये मेडल जीतने के लिए आपको क्या परिश्रम करना पड़ा? सर इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ा, दोनों टाइम प्रैक्टिस, डाइट सब, और मेरे कोच की मतलब उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया वो सब। इस रामटेक तहसील के छोटे से गांव सीतापुर में आपका स्वागत किया गया और आपके साथ में जो सहयोगी आपके जो सहयोगी खिलाड़ी थे उनका भी स्वागत किया गया, इसके बारे में आप क्या कहोगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने छोटे से गांव की दो लड़कियां आज विदर्भ स्तरीय लेवल पे मेडल लेके आ रही है, बहुत अच्छी बात है। शीतल प्रयाग सोवाला के, मैं चिचाला गाँव की हूँ, रामटेक तालुका की, और मेरा कोच ईश्वर मेश्राम, नीलेश दमा है, राजहंस माहुले, वो तीनों ने हमको सराव दिए। सीतापुर गांव में आपका जो स्वागत किया गया है उसके बारे में आप क्या करना चाहूँगे? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सर, और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। तुमको अभी तक कौन सा मेडल मिला है? मेरे को अभी तक मैं सीनियर नेशनल खेली हूँ और जूनियर में भी मेडल है मेरे को, स्टेट में सिल्वर, और विदर्भ केसरी में चार बार खेल चुकी हूँ और दो बार विदर्भ केसरी हो चुकी हूँ, और अभी ये वाले विदर्भ केसरी में 2024 के विदर्भ केसरी में 68 किलो में गोल्ड मेडल मारी हूँ। सीतापुर गांव की बच्चियों ने जो मेडल लाए हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं क्रीड़ा शिक्षक सुभाष चौहान, उदय विद्यालय देवलापार, यहाँ पे क्रीड़ा शिक्षक करके काम करता हूँ और कुश्ती की कोचिंग करता हूँ। रामटेक तालुका कुश्ती तालीम संघ का सचिव हूँ और इसीलिए तो आज यहाँ पे सीतापुर गांव, एक छोटा सा गाँव, इस देहाती गाँव में इंद्रजीत भाऊ ओलोकर जी, ये मैं कुश्ती का कोच होने की वजह से पूरे तहसील में चारों तरफ जाते रहता हूँ, सब लोगों को मोटिवेशन देते रहता हूँ, मगर इंद्रजीत भाऊ ओलोकर से गले 10-15 साल से पहले मेरी मुलाकात हुई और भाऊ से हमारी बात होने के बाद देखा मैंने कि 2-3 साल से कड़ी मेहनत लेकर भाऊ सीतापुर इस गाँव में, छोटे से गाँव में, इन गरीब बच्चों को रोज कुश्ती की ट्रेनिंग देते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, इन बच्चों में एक कुश्ती के लिए वातावरण इन गांव में बनाया, जो उन बच्चों को दाव पेच कुछ मालूम नहीं थे, कुश्ती क्या है ये मालूम नहीं थी, उन बच्चों को इन्होंने ट्रेन किया और रोज करते हैं और गले 2 साल में अभी हम देखते हैं कि हर जगहों से मेडल लाते हैं। अभी खासदार चषक जो हुआ नागपुर में, वहाँ अंजलि ठाकुर ने सिल्वर मेडल लाया, पिछले बार जो खासदार विदर्भ केसरी हुई उस विदर्भ केसरी में भी गले साल उन्होंने सिल्वर मेडल लाया था, और अभी जो मांडल में विदर्भ केसरी हुई उसमें 50 किलो वेट में सिल्वर मेडल लाया, और उसके साथ ही साथ प्रगति सगियाम, ये बड़ी हुनहार लड़की हैं, हम देखा जाए तो ये प्रगति सगियाम हो, अंजलि ठाकुर हो, मैं बोलते बोलते कहने का ही रहा कि शाले टूर्नामेंट में ये राज्य स्तर पर सेकंड थर्ड 3-4 बच्चों ने लाया, और ये सब अक्सर अक्सरा वाड़ीवे यही गांव की लड़की हैं, इंद्रजीत भाऊ उनको ही इन बच्चों को पढ़ाते हैं, ये 3-4 लड़कियां स्कूल गेम में स्टेट लेवल पे सेकंड थर्ड 3-4 बच्चों ने लाया, और आज देखे तो ये मांडल में हुई विदर्भ केसरी स्पर्धा में भी प्रगति सरियाम में ब्रांस मेडल लाए हैं, तो इन बच्चों का जो हौसला है वो बढ़ाने के लिए
मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे रामटेक तालुका कुश्तीगीर परिषद संघ की ओर से तालीम संघ का सचिव के नाते मैं हमारे पूरे टीम की ओर से रामटेक तालुका कुश्ती तालीम संघ के ओर से इन सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह से वो तरक्की करें।